हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है निशा फूड स्पेशल में आप सभी का। और आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि में स्पेशली खाए जाने वाले कुट्टू के आटे के पकोड़े। तो कुट्टू के आटे के पकोड़े बहुत ही स्वाद लगते हैं और नवरात्रों में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम लोग अन्न नहीं खाते हैं तो कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के और सामक के चावलों का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम करारे कुट्टू के आटे के पकोड़े घर में फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुट्टू का आटा। मैंने एक कटोरी कुट्टू का आटा लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार लें। दो आलू ले रही हूँ मैं यहाँ। एक कप पानी है। यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च है। सेंधा नमक और यहाँ पर है मीठा सोडा। तो चलिए हम जल्दी से कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम घोल को तैयार करेंगे। हमने यहाँ जो कुट्टू का आटा लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अब इसमें डाल देंगे हम ये सारे मसाले, जो भी काली मिर्च, नमक और मीठा सोडा, सब हम इकट्ठे डाल देते हैं और इसको मिला लेंगे अच्छे से। इस तरीके का घोल बनाने के लिए एक कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तेल को गैस पे चढ़ा लिया है और हमारा जो तेल है वो गर्म हो रहा है। हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे एक एक करके। हमने आलू को इस तरीके से काट लिया था। पकोड़े बनाते समय हमें गैस को सिम रखना है। तेज आंच पे हमें पकोड़े नहीं फ्राई करने हैं। हम गैस को सिम रखेंगे तो क्या है कि पकोड़े अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे, नहीं तो वो कच्चे रह जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे बने हैं हमारे पकोड़े और अब हम इनको सर्व करेंगे। बन चुके हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। और बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी तो जो थाली है वो तैयार हो गई है, व्रत की थाली। और बहुत ही करारे और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बने हैं और हमने इसको सलाद के साथ सर्व कर रहे हैं, खीरे के साथ, हरी चटनी और यहाँ पर दही। तो इस नवरात्रि स्पेशल में आपको मैंने पहली ये रेसिपी पकोड़े की शेयर की है। इस नवरात्रि स्पेशल में मैं आपके साथ और भी रेसिपीज शेयर करूंगी नवरात्रि की ही, और तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरी ये बनाई रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि स्पेशल में और भी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।